तो मित्रों फिलहाल हमारा भोजन हो गया है पूर्ण। बढ़ रहे हैं यहाँ से आगे चांगला पास की ओर। हाइट लगभग 17,500 फीट है। पिछली बार हमारी गाड़ी गर्म हो गई थी, इसलिए कंसर्न्स हैं कि भाई ये जो ट्रक है ये कैसा परफॉर्म करेगा। कुल मिला के देखते हैं, हम भी अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन है, जो भी आगे जाके होगा आपसे साझा करेंगे इस व्लॉग में। चांगला पास सामने ही दिख रहा है, मतलब हमें तो चढ़ चुके हैं, पर बहुत ही मुश्किल से चढ़ा है ये ट्रक। मुझे लगता है हमने जो डीजल की सेटिंग इसमें खुलवाई थी वो प्रॉपर नहीं हो पाई, और उसके कारण गाड़ी हमारी मिसिंग कर रही है, जिसके कारण बस जैसे तैसे हम चढ़े हैं, तो बस चढ़े ही हैं। क्या मिसिंग कर रही है गाड़ी? बहुत ज्यादा, और मुझे लग रहा है ना उसमें डीजल का जो नॉब है ना वो बहुत ज्यादा खुल गया। मिसिंग के बाद जब तो छोड़ रही है ना, उसमें आग निकल रही है एग्जॉस्ट से। हाँ अच्छा, हाँ अभी देखिए ये तो अभी कुछ भी नहीं किया इसने। हो गई होगी गर्म? नहीं नहीं गर्म नहीं हो रही है फिर, गाड़ी तो ठंडी पड़ी है फिर क्यों हो रही है? डीजल खुला हुआ है इसका। तेल कितना खा गई? खा गई तेल, आधी टंकी खा गई। कर्नल साहब को बोलना पड़ेगा 20 लीटर जेरिकेन में डाल के लेकर आना। टंगस्टन मिलेगा क्या? अच्छा मिलेगा क्या? बस ठीक है, आओ पहले टंगस्टन फुल करा लेंगे एक बार। नहीं पंत वो मेरा के आगे जा रही है, पीछे ये देखो वो आगे। नहीं नहीं वो तो मैंने गियर में डाल दिया। नहीं प्लेन है यहाँ पे, कुछ नहीं होगा। क्या बोल रहे हैं आप? डीजल तो सर एक मिनट, आप क्या बोल रहे हैं? मैं कह रहा हूं टंगस्टन में डीजल पंप। नहीं नहीं वो तो ठीक है। अब दो विकल्प है अपने पास, या तो आगे कोई मैकेनिक मिले तो उससे इसको टाइट कराएं, है ना, और दूसरा विकल्प ये है कि जिसने ये खोला था उसका मैं नंबर लूं, उससे वीडियो कॉल पे बात करके और अपन फिर इसको टाइट करें। एक बार उससे बात कर लो कि ऐसा हो रहा है कि वापस इसको वो करवाएं। सर चढ़ने में दिक्कत तो नहीं कोई? अरे दिक्कत वो मिसिंग कर रही है ना, तो वो जो उसको कंटिन्यूएशन में रोल लेना रे ही नहीं है, भक भक ऐसे ले रही है वो रोल। स्टार्टिंग बाद में हुआ होगा ना ये तो, ये कहां से वो स्टार्ट? सर ये मैं आपको, मैंने कल आपको बताया था ना सर ये मिसिंग कर रही है, ये है ही इसके। जैसे ये एक पर्टिकुलर एक्सीलरेटर के बाद जब डीजल जाता है ना इसमें, तो फिर वो उसको टॉलरेट नहीं कर पा रही है, इंजन उसको टॉलरेट नहीं कर पा रहा, जला ही नहीं पा रहा, मतलब उसको कच्चा डीजल बाहर निकल रहा है। करेक्ट करेक्ट, फिर तो करवाई लो। थांक्स में कोई ना कोई मैकेनिक मिलेगा। थांक्स हाँ। और अभी अब क्या होगा, ये जब उतरेगी ना तब और मिसबिहेव करेगी। अच्छा हाँ, उतरने में तो उतरने में क्या होता है, अब इसने खोल दिया है ना तो डीजल बिना एक्सीलरेटर के भी कंटिन्यूअस जाता रहेगा उसके अंदर, जाता रहेगा, तो जैसे हल्का सा भी आप प्रेस करोगे ना भक्क से निकलेगा। प्रेस करना ही नहीं, वो करना तो पड़ेगा ही बीच में। क्या प्रेस करना? एक बार उससे
यहाँ तो नेटवर्क नहीं है ना, फुल नेटवर्क है, नेटवर्क है क्या? वो अभी करते हैं सर। सर नमस्कार। नमस्ते। हाँ जी। सर चांगला टॉप से बात कर रहे हैं हम आपसे। बढ़िया सर, बढ़िया सर, आपका सपोर्ट चाहिए हमें एक। बोलो। सर अपन ने जिससे वो कराया था ना, क्या बोलते हैं, इसके डीजल वाला नॉब सेट कराया था। हाँ जी। वो क्या हो रहा है कि वो शायद थोड़ा सा ज्यादा खुल गया है। अच्छा। अभी ना जब गाड़ी चढ़ रही है ना चढ़ाई पे, चांगला टॉप हमने चढ़ाई तो मिसिंग कर रही है, और जो इसका साइलेंसर है ना उसमें से आग निकल रही है। अच्छा। तो ऐसा ये पहली बार ही, और जब उतर रही है तो कच्चा धुआं छोड़ रही है, मतलब डीजल जा रहा है उसमें कंटिन्यूअसली। हाँ उनका नंबर दिए तो वो मुझे उनका, या दोनों काम कर सकते हैं आप, उन सरदार जी से उनका नंबर ले सकते हैं। लाइन पे लो, लाइन पे लाइए। देखिए आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर। हेलो जी, सत श्रीकाल। सत श्रीकाल जी। हाँ जी प्राजी, सत श्रीकाल जी। चावला चावला बोल रहे हैं। चावला गल करना चाहते ने, कहते मकैनिक का नंबर मिल जाए या मकैनिक गल कर लिए, पहले इन्होंने हम लोग है चांगला टॉप पे। अच्छा। है ना, तो अभी क्या है, हम लोग यहाँ से उतरेंगे तो मुझे लग रहा है कि अगर वो हमें बताएंगे कि ये सेटिंग वापस कर दो तो हम करके थोड़े से बेहतर ढंग से उतर पाएंगे। अच्छा। तो एक बार वो जिन्होंने किया था ना ये काम, उनका नंबर मिल सकता है क्या? हाँ मिल जाए, मिलेगा। तो प्राची उनका नंबर आप, मैं आपका नंबर ना इनसे लेके आपको कॉल करता हूँ सीधा। मेरा नंबर देता हूँ आपको, उनका नंबर देता हूँ। अच्छा ठीक है, पर मेरा नंबर है क्या, मेरा ये वाला नंबर है क्या आपके पास? मैं चावला साहब से बात करूंगा, आपको नंबर दूंगा, उसको मैं आपको नंबर दे देगा। ठीक है ठीक है, आप चावला साहब को भेज दीजिए, चावला साहब मुझे भेज देंगे। ठीक है, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। जी जी प्लीज प्लीज लेके जाइए, आपकी हमारी उम्र में बहुत फर्क है। नहीं आपने बोला है, लेकिन अभी तो हमारे बच्चे नहीं, नहीं बच्चे नहीं, भाभी आप प्लीज प्लीज ना, उसमें क्या क्या नहीं नहीं साथ नहीं, अभी हमें हो सकता है कि 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा, एक घंटा नहीं नहीं नहीं, आप एक घंटा नहीं, भाभी मैं तो नहीं जाऊंगी, छोड़ के नहीं, गलत बात छोड़ के हम नहीं जाएंगे। चलिए फिर नीचे नीचे, हम भी चल रहे हैं। ऐसा जी निकले हुए थे कि नहीं निकले? सर हम भी चल रहे हैं नीचे करके, नीचे चल के फिर एक बार ठीक करते हैं। तो मित्रों मोटा मोटा तो विषय आपको समझ में आया होगा कि बहुत ही मुश्किल से हमारी गाड़ी चांगला पास चढ़ पाई, और क्यों मिसबिहेव कर रही, खैर ये तो हम नहीं समझ पा रहे, हम जो मैकेनिक है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। दूसरा कंसर्न ये हो रहा था कि मेहता साहब और भाभी जी यहाँ से नीचे जाने के लिए तैयार, वो एक्चुअली वो लोग जल्दी पहुँच गए थे तो ऑलरेडी उनको 15 मिनट हो चुके थे, और इस उम्र में अभी वो 65 के, तो इस उम्र में चांगला पास पे इतनी देर रुकना कतई सजेस्टेबल नहीं है। सो मैं उनको इंसिस्ट कर रहा था कि भाई आप आगे बढ़ें और हम थोड़ा सा अपनी गाड़ी को जो मैकेनिक है उनसे बात करके थोड़ा सा ट्यून करके फिर नीचे आते हैं, पर वो इस बात पे अडिग थे कि नहीं यहाँ से हम साथ ही नीचे चलेंगे। अब देखिए ये एक स्नेह का भाव भी है और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय भी था, क्योंकि उनका कुशल स्वास्थ्य रहे ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और उनका भाव परस्पर देखिए एक जिस प्रकार का माँ बेटे का संबंध होता है ऐसा उनका भाव था हमारे प्रति कि भाई अगर गाड़ी मिसबिहेव कर रही है, ख़राब हो रही है, तो रास्ते में अगर कोई भी दिक्कत आई तो क्या होगा, तो इसलिए वो हमें अकेले छोड़कर नीचे जाना नहीं चाहते थे। एट लास्ट हमने डिसाइड किया कि गाड़ी जैसी भी स्थिति में है हम इसको नीचे लेके चलते हैं, क्योंकि मेहता साहब को कतई इस उम्र में मैं नहीं चाहता था कि वो कुछ देर और चांगला पास पर रुकें। सो हमने वहां से पास उतरना शुरू कर दिया। सेटअप ऑल सेट, ऑल सेट,
नहीं वैसे यहाँ कोई मैकेनिक से बात करोगे क्या? नहीं 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 अपन चलते हैं सर टंगस्टन में। दोस्तों हम इस मार्ग पे कुछ आगे बढ़ ही रहे थे कि हमें दाहिने ओर एक बहुत ही सुंदर सी वाटर बॉडी दिखाई दी और मन करा कि यहीं रुक जाए। थोड़ा सा शक हो रहा है मुझे, मतलब मेहता साहब तो ओके हैं, रुकेंगे रुकेंगे मेरी उतार के देखूं पहले, क्योंकि उतरेगी भी सीधी है, क्योंकि अगर अपन ने इसको आड़ी करी तो आड़ी हो जाएगी गाड़ी एक साइड से, लंबा काट के फिर सीधी उतरेगी बिल्कुल, मतलब देखिए ऐसे ही जाएगी गाड़ी, ऐसे जाएगी गाड़ी। चले तो क्या दिक्कत है? नहीं दिक्कत कुछ नहीं है, वो नेटवर्क भी नहीं है मोबाइल का। अच्छा कोई काम भी नहीं होएगा ना आपका, होएगा काम ना हम कांटेक्ट में रहेंगे। कोई आ रहा किसी में जियो में एयरटेल में? नहीं नहीं नेटवर्क तो नहीं है यहाँ, नेटवर्क ये वर्जिन ब्यूटी तो नहीं मिलेगी, वो तो है वर्जिन ब्यूटी तो नहीं मिलेगी, ये बहुत ही सुंदर है वो तो है वहां तो फिर एक गांव का स्टे होगा क्या सर हमारे पास ये है एक कंबल एक्स्ट्रा जिसको अभी तक यूज नहीं करा, पहले मैं उतार के देखता हूँ मेरी गाड़ी। हाँ ये देख लो, नहीं पर पहले ये उतार ले। नहीं 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 पहले मैं आइए 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 आने दीजिए आने दीजिए आइए। बहुत धीरे उतारिएगा, पहिया उस पे से उतर रहा है, धीरे धीरे उतारिए उतारिए उतारिए, पीछे से कहीं नहीं टकराएगा, पीछे बहुत सेफ है। आइए आइए बस चलने दीजिए सर, चढ़नी चाहिए चढ़ तो जाएगी नहीं तो जेसीबी बुला लेंगे सर, ऐसे तो बहुत जगह बुलाई है अपन ने। और मित्रों ये जगह देखिए यार क्या है, मतलब मुझे नहीं लगता कि इतनी खूबसूरत जगह, इतनी सेक्लूडेड जगह हमने अभी तक इस पूरी ट्रिप में कहीं पर भी देखी है, बहुत ही खूबसूरत। मुझे लगता है भाभी हमने अब तक जहां पर भी कैंप किया है इतने नजदीक हम कभी नहीं आ पाए, इतने नजदीक पानी के कभी नहीं, इतने नजदीक पानी। सर मेरी गाड़ी सीधी है ना, लोकेशन तो बहुत सर करते हैं बहुत बहुत ज्यादा, मतलब लेकिन सिर्फ कंसर्न हो रहा था मेहता जी और भाभी जी का। नहीं पर भाभी पेंगोंग के लिए ये एक प्रैक्टिस वो है। हाँ प्रैक्टिस है भाई पेंगोंग, ये अगर वहाँ रुकना है। हाँ 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 मतलब पेंगोंग के आसपास भी रुकना है तो ये ही क्लाइमेट है, यही ऑल्टीट्यूड है। ये लोग तो चले जाएंगे बंद कर। आप तो ये बताओ कि पसंद है जगह? आप तो ऐसे पूछ रहे थे दूसरी शादी के लिए आप लड़की दिखा रहे हो भाई हमारे जीजे जी वो हम नहीं कर सकते ये मेहता साहब मुझे आप तो बताओ मुझे कि जगह पसंद मिल रहा, आप तो ऐसे बोले दूसरी शादी की लड़की दिखा रहे हो ये तो हमने कहा हमारे जीते जी तो हम नहीं कर सकते तो फिलहाल हम सबकी कैंपर वैन्स यहाँ सेटल हो चुकी हैं और हम सब भी कैंपर वैन्स पे सेटल हो चुके हैं। बहुत ही ज्यादा ठंड है यार, वो देखिए ऊपर वहाँ क्योंकि पहाड़ पे बर्फ है और सामने है ये इतनी सुंदर सी लेक। तो चलिए बस मुझे लग रहा है ठंडा है इसलिए सब लोग अपने अपने गाड़ियों में अंदर घुसे हुए हैं। एक बार ऑक्सीजन कर लें सर, प्रिकॉशनरी अच्छा। कर लेते हैं ना। जरूर 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 वो जरूरी है, सही बात। हालांकि मुझे नहीं पता ये मीटर ठीक है खराब, ठीक होगा आपके करो ना। बस भाभी लो ना ये हाथ में लगा रहे हैं, 78, 86
ठीक है 79 आ रही है तो 79 तो बहुत है ना नहीं नहीं ठीक है यहाँ इतनी रही यहाँ तो एक जगह 173 तो वो तो अरे वो था अभी मैं नहीं ले लो ना अभी हिलाई नहीं हाथ अरे लो ना थोड़ा तो मुख टेस्ट अच्छा हो जाएगा नहीं गीता का कम है नहीं सर नहीं वो हाथ भी 69 नहीं मैं उधर से आता हूँ अभी हाथ से स्थिर रहना जी सबकी नाप लें जी तो इजी हो जाएंगे 80 के आसपास हो तो ठीक है पैर पर क्या आपका कितना था 67.88 है सर है? आपका कितना था 79 और मेरा कितना 79 मतलब बराबर है सात्विक का है 90 केवल ये मैंने कहा एक बार ऑक्सीजन ले लूं सबकी मेरी देखो हाँ देखो नीचे रखिए सर थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि लेट जाओ नहीं नहीं वो बहुत से सब लेट गए रात को मुझे लग रहा है ठंड भी बहुत बढ़ सकती है ठंड से और ऑक्सीजन कम होती है तो जो भी लेना है पर तुरंत लेना है डिसीजन बहुत मुश्किल हो जाएगी रात में उनकी रात गुजारनी बहुत मुश्किल हो जाएगी क्योंकि यहाँ सपोर्ट कोई नहीं है जैसे पेंगोंग में होंगे हम तो पेंगोंग में क्या होगा आर्मी का सपोर्ट होगा नहीं पर जो भी डिसीजन लेना है तुरंत लेना है फिर निकलो सर सबकी 60 है तो फिर निकलो चलिए सबकी ऑक्सीजन 60 है तो फिर निकलो तो जी ऑक्सीजन आ रही है कम क्या क्या आपका क्लिप भी डाल ऑक्सीजन 60 आ रही है ऑक्सीजन 60 आ रही है जी तो तय किया कि यहाँ से निकलेंगे ऑक्सीजन सबकी कम है श्रद्धा भाभी की आ रही है 69 मेरी आ रही है 66-67 70 आप नहीं आपकी भी 70 आपकी भी 60s में थी 67 मतलब हम तीन जने एक उसमें विक्रम जी 70 मतलब हमारे आसपास हैं आप भी लगभग 70 के आसपास ही 79 थी तो विक्रम जी बोल रहे हैं कि अपन आगे चल के रुकते हैं आज ही चलो 72 आ रही है ना वही कमी है वही मतलब सबकी 70 आ रही है हाँ तो कोई ऐसा अपने को वो नहीं है चले भाई कोई है ना रात में तबीयत क्योंकि रात में ऑक्सीजन और डाउन होगी पर मैंने उनको बोला जो भी वो बोले जो भी लेना है तो फिर चलो हाँ तो अरे मेरी बात ठीक है ठीक आप लोगों को देखो ज्यादा एक्सपीरियंस है ज्यादा पता ठीक है ठीक इसीलिए मैंने ऑक्सीजन चेक करी है ना ठीक है हाँ ठीक है सर हमें 2 मिनट दीजिए बस पैकअप करने के लिए डन हाँ कौन सी से ये कहाँ जाएगी रोड उसने बोला यहाँ से निकल जाना ये ज्यादा आसान है हाँ। अच्छा वो भी यहीं से गया है ठीक है बस चलते निकल रहे हैं हाँ वो ऑक्सीजन सबकी कम है यार 60s में है सबकी ऑक्सीजन तो हाँ फिर अपन आगे बढ़ रहे हैं है ना सात्विक जी हैप्पी टाइम्स मजा आ गया तो देखिए दोस्तों हो सकता है जगह बहुत सुंदर हो वादियां बहुत अच्छी हों पर अगर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो ही हम वहां का पूरा आनंद ले पाएंगे जो हम सबकी ऑक्सीजन आ रही थी उसके हिसाब से एकदम सजेस्टेबल नहीं था मतलब 70s में ऑक्सीजन आ जाना 60s में आ जाना क्या बोल रहे हैं सर मैंने कहा उसने तो बोल दिया था ये रास्ता ठीक है पर मैं पीछे वेट करूं ऐसा ना हो दो गाड़ी जाके दोनों अटक जाए वहां पे मुझे लगता है क्योंकि उसको दोनों रास्ते मालूम है तो आउट ऑफ टू ये शायद ज्यादा ठीक होगा तो भी मैं जा रहा हूँ आगे फिर आपको बताता हूँ डन सर ओके सिग्नल देता हूँ तो मैं ये बोल रहा था कि हो सकता है वादियां बहुत अच्छी हैं नजारे बहुत अच्छे हैं पर स्वास्थ्य अगर अच्छा नहीं है हम सबकी ऑक्सीजन लगभग 70 के आसपास आ रही थी यहां तक कि श्रद्धा भाभी मेरी ऑक्सीजन तो देखी तो 68-66 ऐसा कुछ आ रही थी जो कि मुझे लगता है कतई ये प्रैक्टिकल नहीं था कि हम यहाँ पर रुकते तो यहाँ से चल रहे हैं आगे कोई थोड़ा सा लोअर ऑल्टीट्यूड पे कोई अच्छा विलेज होगा वहां पर आज रात का नाइट हॉल्ट
तो मित्रों इस प्रकार से हम यहां से निकल पड़े आगे के लिए। सबसे बड़ा जो कंसर्न था वो ये था कि अब शाम हो चुकी थी और हमें जल्दी ही नाइट होल्ड के लिए एक सुरक्षित स्थान थोड़े लोअर ऑल्टीट्यूड पे ढूंढ लेना था। खैर यहां से आगे बढ़ के हमें कौन सा स्थान मिला, कैसे हुई हमारी रात, अगली सुबह कहां हुई, कैसे हुई, ये सब आपसे साझा करेंगे अगले व्लॉग में। और हाँ, इन दिनों कभी कभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि व्लॉग एकाध दिन रुक कर आ रहा है, तो क्योंकि हम लद्दाख रीजन में हैं तो नेटवर्क कनेक्टिविटी हमें जहां जैसे मिल पाती है वहां आप तक अपने व्लॉग हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आशा है आपका स्नेह हमें इसी प्रकार मिलता रहेगा। शीघ्र अगले व्लॉग में आपसे होगी मुलाकात। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा। जल्द मिलेंगे। नमस्कार।